ये वही प्रदेश है जो 2017 के पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं रहती थी, और आज गौ माता को छेड़ने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। यही अंतर है। पहले भैंसा गाड़ी चलाने वाला भैंसावान अगर अपना भैंसा गाड़ी लेकर के शहर की तरफ कहीं देहात में कहीं जाता था, अगर 5 मिनट के लिए इधर उधर हो गया इतने में भैंसा गायब हो जाता था। बैलगाड़ी वाले की बैलगाड़ी गायब हो जाती थी। लेकिन अब तो अवैध मुचड़खाने बंद कर दिए गए, अब तो कोई गायब नहीं कर सकता। और यही तो परेशानी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया। इनको यही परेशानी है, धंधा इनका बंद हो गया। पहले बहन और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल के लिए निकले कब कौन गुंडा किस बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे, कब उसको उठा करके लेके चला जाए। और आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन और दुशासन जैसी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और उनको प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जब तक मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व देश को है, आप निश्चिंत होकर के रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। सरकारी संपत्ति, गरीब की संपत्ति, व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो याद करना कि खानदान बिक जाएगा, सात पीढ़ियां इस भरपाई को करते करते थक जाएंगी। इसलिए मत करो, दंगा फसाद मत करो, संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, और करोगे तो फिर भरोगे भी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितना शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? क्या ये पवित्र कार्य समाजवादी पार्टी कर पाती? अगर वह करती तो यहीं से फतवे जारी हो गए होते इस संबल से ही, क्यों? और बहन जी को तो कहना ही क्या, यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं ना भाइयों बहनों? ये दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है, आपकी भावनाओं के अनुरूप मंदिर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है, और आपने भी, आपके गांव से भी, आपके जनपद से भी मंदिर निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.